शिकार दो टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर बार आप लोगों को किसी न किसी नई शख्सियत से रूबरू करवाता हूँ। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान अभिजीत राय जी, जो प्रिंट मेकर हैं, उन्हीं से रूबरू करवाता हूँ। नमस्कार अभिजीत राय जी, दो टूक सीधी बात में आपका स्वागत है। नमस्कार अभिजीत राय जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपने जब कला की दुनिया में कदम रखा तो उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? मेरा जन्म तो वेस्ट बंगाल में हुआ, कृष्णनगर, एक पुराने कल्चरल सिटी जो कलकत्ता से भी 200 साल पुराने एस्टेब्लिश्ड हुआ, शायद उससे भी पुराने होगा। यहाँ नाम सुना होगा गोपाल भार कृष्णचंद्र राजा, जो सिराजुद्दौला को हराया था, जो प्लान बनाया था ब्रिटिश के साथ मिलके जो। बट उस सिटी में जन्म लेने का मतलब बहुत सारे कल्चरल हेरिटेज एक साथ हमारा साथ चलते हैं, उसका एक्सपीरियंस चलते हैं। और वहाँ से एडुकेशन, आर्ट का एडुकेशन, जैसे अदर्स छोटा टाइम से अपना आर्ट के ऊपर एक अलग फेथ होता है, अलग प्यार होता है, मेरा भी ऐसा ही था। शायद मेरा स्कूल का जो टीचर एक लेडी थी प्राइमरी स्कूल के, वो कभी मुझे बहुत अप्रिशिएट करता था। तब तो छोटा छोटा चीज बनाने का, डक के अंडा, फूल पत्ता, तो उसमें बहुत अप्रिशिएट करता था। शायद उनको लगता था कुछ ये आगे जाके कुछ इस फील्ड में कर सकते, मुझे भी अच्छा लगता था। फिर मैं स्कूल में गया, स्कूल में अलग अलग कंपटीशन होता है, विद्यासागर, ए वो पोर्ट्रेट, तो सब में ही ऑलवेज मैं अच्छा रिजल्ट करता था, लोगों को अट्रैक्शन में आता था। तो आपने जो कला की शिक्षा थी वो कहाँ से प्राप्त की और आपके कौन कौन गुरु रहे जिससे आपको प्रेरणा मिली, जरा उसके बारे में संक्षेप में बताइए। कला में आने के पहले मैं एथलीट था, नेशनल एथलीट, मेरा इवेंट था पेंटाथलन 5 इवेंट। आपकी हाइट भी अच्छी थी, आपका वो भी, आप उसमें भी जा सकते थे, फिर आपने इसको कैसे चुना? मेरा एक्चुअली एथलेटिक्स लाइफ में मैं कलकत्ता IIWB ईस्टर्न रेलवे जो स्पोर्ट्स क्लब, वहाँ प्रैक्टिस करता था। पीके बनर्जी मेरा कोच थे, तो सडनली एक दिन प्रैक्टिस करने के टाइम मेरा नी में चोट लगा, तो उसके बाद मैं 1.5 ईयर बेड रिडन हो गया था। चोट ऐसे लगा था, मेरा कटलेज ब्रेक हो गया था, तो मुझे बाय फोर्स फील्ड, एथलेटिक्स फील्ड को छोड़ना पड़ा। फिर मैं आर्ट कॉलेज में, तब मुझे लगा जे मुझे आर्ट छोड़ के और कोई रास्ता ही नहीं है, तो आर्ट कॉलेज में एडमिशन हुआ। फिर धीरे धीरे मैं मास्टर्स करने का टाइम बड़ौदा में, तब फिर यूनिवर्सिटी चैम्पियन हुआ एथलेटिक्स में। तो मेरा टीचर बोला था जे अभिजीत, तुम यहाँ आर्ट करने के लिए आया क्या, एथलेट बनने के लिए? तो मैंने बोला था दोनों ही करना है। तो ये मेरा एक अंदर का इच्छा था, फिजिक को ठीक रखना है, काम करना है, आर्टिस्ट मतलब जस्ट आर्टिस्ट ही बनना है। आर्टिस्ट फिजिक अगर माइंड एंड फिजिक अगर ठीक रहे तो आर्टिस्ट आई थिंक और बेटर कर सकते आर्ट वर्क। तो उसी हिसाब से मैं अपना हेल्थ के ऊपर बहुत कंसर्न था। बहुत बड़े बड़े अच्छा अच्छा टीचर मेरा लाइफ में आया। मैं कलकत्ता में पढ़ने के टाइम भी चित्तरंजन दास मेरा कॉलेज का एक बहुत, जो विकास भट्ट चार्य का भी गुरु था, बहुत अच्छा रियलिस्टिक आर्टिस्ट था और वो मुझे बहुत इंस्पायर करता था। ये छोड़ के गोपाल सन्नल था। फिर मैं जब कलकत्ता में पढ़ते थे उस टाइम शांतिनिकेतन जाते थे सोमनाथ होड़ा और ये KG सुब्रमण्यम के साथ मेरा काम दिखाना, डिस्कस करना है, तो उनसे बहुत कुछ मिलता था। फिर मैं उनके ही इंस्पिरेशन से मैं बड़ौदा चला गया। तो बड़ौदा जाने के बाद वहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट, ज्योति भाट, जोगेन चौधरी, ज्योति जोगेन चौधरी नहीं,
ज्योति भट्ट, गुलाम शेख, जयराम पटेल और बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट से मिला, जो लोग से काफ़ी कुछ सीखने मिला। पर बड़ौदा एक ऐसा जगह है, मैं कलकत्ता से स्टडी रियलिस्टिक इस टाइप का जो एक एकेडमिक स्टडी कलकत्ता में मैक्सिमम होता है, उस जगह से जब बड़ौदा में पहुंचा तब मुझे एक अलग भीषण खुल गया। मुझे लगा दैट प्लेस इज गुड फॉर मी, क्योंकि मैं एक अलग एकेडमिक वेदर से आया और वहाँ आके जो थियोटिकल और आर्ट एस्थेटिक्स किया होता है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र दिया जाता है बड़ौदा, जिसकी वजह से बड़ौदा बड़ौदा है। बड़ौदा इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट, वहाँ जाके मुझे बहुत कुछ मिला, बहुत हेल्प हुआ, बहुत काम करने के लिए। आज भी मैं दिल्ली में रह के काम करता है अपना हिसाब से। अभिजीत राय जी, आप हायर स्टडी के लिए बाहर भी गए, स्कॉलरशिप के लिए गए थे, या उसके ऊपर भी थोड़ा नज़र डालें हम। मैं जब बड़ौदा में स्टडी करता था, स्टडी करते के टाइम मेरा बहुत सारे वन मैन शो हुआ, जहांगीर में, त्रिवेणी में, और जहां भी काम भेजता था मोस्टली कंपटीशन में अवार्ड आ जाता था। तो मेरा एक बहुत बड़ा बेनिफिट था, मेरा कभी जॉब नहीं करना पड़ा। मेरा जॉब के जो मनी ज़रूरत है लाइफ लीडिंग के लिए, आर्ट करने के लिए, वो मेरा आ जाता था। तो somehow I am lucky। और उसके बाद मेरा तो रेगुलर काम होता था, रेगुलर एग्जीबिशन होता था उसमें से भी। और आर्ट ऐसा चीज हुआ, फिर वहाँ से मैं अलग अलग फेलोशिप स्कॉलरशिप में अप्लाई किया, विभिन्न जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का सब फेलोशिप ऑलमोस्ट मुझे मिल गया इंडिया। आप जो बाहर गए थे, हमने एक सवाल था कि आपको कौन सा स्कॉलरशिप था जहाँ बाहर जाने के लिए। मुझे तो काफ़ी, आई वॉज सिलेक्टेड फॉर कॉमनवेल्थ ग्रांट, आई वॉज सिलेक्टेड फॉर चार्ल्स वेलेस, आई वॉज सिलेक्टेड फॉर जर्मन गवर्नमेंट ग्रांट, इस तरीका और कुछ स्कॉलरशिप फेलोशिप मुझे ग्रांट हिसाब में मिला, जो लेके मैं काम किया। इंडिया का तो बहुत सारे स्कॉलरशिप अवार्ड मिला था, बाहर का भी बहुत सारे मिला था, जो मुझे मेरा फ्यूचर लाइफ के लिए एक्सपीरियंस हिसाब से बहुत कुछ दिया है और दे रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। अभिजीत राय जी, एक चीज़ और बताइए, आप किस विषय को लेके अपना कार्य करते हैं और कौन कौन से माध्यम और टेक्निक का उसमें प्रयोग करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। आप चिंकोले करते हैं जो लीक से हट के है, बहुत सारे लोगों को उसके बारे में जानकारी भी नहीं है, नई पीढ़ी जो है। तो हम चाहते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं या जो हमारे साथ जुड़ेंगे उनको थोड़ा इसके बारे में भी नॉलेज हो। मैं आर्ट के बारे में, जैसे देवी ने पहले बताया, प्रिंट मेकर, मैं ये कोई स्टैम्प लगाना नहीं चाहता है। आर्ट एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट का कैपेसिटी होता है, मेरा जैसे अलग अलग मीडियम के ऊपर मेरा अपना दखल है, मैं अलग अलग मीडियम में काम करता है, मैं जैसे प्रिंट मेकिंग करता है, लिथोग्राफी, एचिंग, चिनकोले, ऐसे स्कल्पचर भी करता है, ऐसे पेंटिंग भी करता है, ड्राइंग भी करता है, जो देखा होगा बुल सीरीज के ऊपर बहुत सारे ड्राइंग, बहुत सारे स्कल्पचर। तो प्रिंट मेकिंग में मैं लेटेस्ट जो काम सबसे ज़्यादा कर रहा है, जो बोल रहा था, चिंकोले। चिंकोले एक मीडियम, जो मीडियम लेके इंडिया में बहुत कम काम हुआ, एक तरीका बोलने में मैं ही इस मीडियम में मैक्सिमम एक्सप्लोर कर रहा है आज तक, और इसके ऊपर मेरा थीसिस भी हुआ, डॉक्टरेट। और वो उसमें दिल्ली प्रिंट मेकिंग विथ चिंकोले, चिंकोले एडवांस एज ए एडवांस टेक्नोलॉजी इन प्रिंट मेकिंग, कैसे उसका पोजीशन, इम्पोर्टेंसी, और आर्टिस्ट कैसे इसको लेके अपना काम में इन्वॉल्व हुआ। तो चिंकोले मेरा लाइफ का एक ऐसे मीडियम है, वर्ल्ड में बहुत कम जगह में चिंकोले लेके, बट मैं जो जिस तरीका से चिंकोले लेके काम कर रहा है, ये इंडिया में तो हुआ ही नहीं, वर्ल्ड में भी हुआ नहीं। तो इस ये स्पेसिफिक है और इसको लेके मुझे और आगे काम करना है। एंड ये है डिफरेंट लेयर ऑफ राइस पेपर विथ पिगमेंट, अगर एक लाइन में बोलना है
डिफरेंट लेयर ऑफ राइस पेपर विथ पिगमेंट, दूसरा एक मदर पेपर के ऊपर जब स्टक होता है फाइनल जो इमेज अपीयर होता है। मैं पहले रॉ राइस पेपर को अलग अलग फॉर्म में अलग अलग कलर यूज़ करता है, जैसे डिफरेंट कलर फॉर्म यूके जर्मनी एंड अदर प्लेस डाई कलर, उसको कलर करके फिर उस फॉर्म को मैं वाटर से काटते हैं, डिफरेंट लेयर ऑफ फॉर्म को टुगेदर ग्लू के साथ थ्रू लिथो प्रेस मैं अदर मदर पेपर में ट्रांसफर करता है, दैट इज़ द फाइनल इमेज अपीयर होता है। इस तरीके से चिंकोले को ऐसे बोलने के लिए जाएंगे तो बहुत बड़ा टाइम लेगा और बहुत बड़ा ये है प्रोसेस, ब्लास्ट प्रोसेस है, और इसके तह तक जाने के लिए हमें एक और वीडियो बनानी पड़ेगी उसके ऊपर। दोस्तों, कला चर्चा आगे बढ़ाने से पहले हम एक नज़र डालते हैं अभिजीत राय द्वारा बनाए गए शिल्प और चित्रों की। आइए एक नज़र देखते हैं इनके कार्यों। अभिजीत राय का जन्म कृष्णा नगर वेस्ट बंगाल में हुआ और वहीं पे उन्होंने बैचलर डिग्री कलकत्ता से की और अपनी मास्टर डिग्री करने के लिए बड़ौदा का रुख किया। बड़ौदा में मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद उन्होंने अपने कर्म भूमि दिल्ली को चुना और आज दिल्ली ललित कला अकादमी रीजनल सेंटर न्यू दिल्ली में अपना कार्य कर रही है। अभिजीत राय भिन्न भिन्न माध्यम में अपना कार्य करते हैं, पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, ड्राइंग हो, या लिथोग्राफी। अभिजीत राय ने कई नेशनल इंटरनेशनल प्रदर्शनियों में भाग लिया और कई नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड भी उन्होंने अपने नाम किए। आज दिल्ली में ही अपना कार्य कर रहे हैं। अभिजीत राय ने अपनी एक नई शैली को डेवलप किया, चिंकोले। चिंकोले भारतवर्ष में बहुत कम कलाकार कार्य कर रहे हैं, उनमें एक अभिजीत राय का नाम आता है। हाँ, एक चीज़ और बताइए अभिजीत राय जी, आप इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो कंटिन्यू लिथो प्रिंट कर रहे हैं। आप अब भी मैं देखता हूँ कि आप खुद पूरा प्रोसेस खुद करते हैं, चाहे ग्राइंडिंग हो उसका, चाहे उसमें प्रोसेस जो भी होता है, तो आप उसके बारे में थोड़ा बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। सी, प्रिंट मेकिंग में जब काम करता है एक आर्टिस्ट, पहले तो मैं ऑनेस्टली काम करते हैं, मैं वो काम को कुछ बेचने का प्रायोरिटी और अदर चीज का प्रायोरिटी उसके साथ जुड़ा नहीं रहते हैं। ओनली जो चीज़ जुड़ा होता है, जो मेरी जो इमेज सोच रहा है वो इमेज को मैक्सिमम एक्सप्लोर कैसे करे, और वो एक्सप्लोर होने के लिए जो जो चीज़ मुझे ज़रूरत है, मैं लिथो ग्राइंडिंग से शुरू करके स्टोन, उसको टेक्सचर कैसे चाहिए, उसके ऊपर ड्राइंग करने का टाइम मैं पसंद नहीं करता मेरा आसपास में कोई प्रेजेंस रहे और डिस्टर्ब। मैं देखा आप रात तक काम करते हैं, क्योंकि मैं अकेला काम करने में मुझे लगता है मैं ज़्यादा स्टोन के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं अपना काम में, और वो जो बाद में जो टेक्निकल चीज आता है एसिड एच आर एन अदर्स फिक्सिंग बाद में प्रिंटिंग, वो तो टेक्निकल में आता है, बट मेन जो ड्राइंग है वो ड्राइंग के टाइम जो आपका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट स्टोन के साथ इमेज के साथ वो बहुत ज़रूरी है। उस टाइम दूसरा कुछ आसपास से डिस्टरबेंस आएगा तो वो बहुत डिस्टर्ब। मैं घंटों आपके साथ स्टूडियो में बताए हैं, रात को 12-12 बजे भी आपके साथ गया हूँ, हम एक ही प्लेस में रहते हैं, मैंने देखा है कि आपका वो इन्वॉल्वमेंट आज भी उतना ही बरकरार है जितना 15-20 साल पहले मैंने देखा था। तो उसकी कुछ टिप्स हमें नए जो कलाकार हैं जो अभी लिथो प्रिंट कर रहे हैं उनके लिए क्या आप बताएंगे कि उनको कैसे टिक कर काम करना है, वो ज़्यादा पेशेंस नहीं रख पा रहे मुझे लगता है आज की जो जनरेशन है। सबसे ज़रूरी जो है, आप जो भी मीडियम में काम कर रहे हैं उस मीडियम के ऊपर आपका फेथ होना चाहिए, आपका प्यार होना चाहिए,
वो मीडियम में जब भी आप काम करो, आप खुद को एंजॉयमेंट एंजॉय करना है। एंजॉय करेंगे उसके साथ साथ आपका जो मीडियम है, वो मीडियम जो भी सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आपको एक अलग जगत में पहुंचाएगा, खुश देगा। आप जब खुश होता है, दूसरे लोग भी आपका काम देख के खुश जरूर होता है। जब खुद की इन्वॉल्वमेंट रहेगी तो उसमें वो आपकी झलक उसमें नजर आती है। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप ऑनेस्टली अपना काम के साथ बुध हो जाओ और देखो कुछ टाइम के बाद वो बुध होने का टाइम बहुत कम टाइम आप में वो काम के अपने आप काम में आएगा। और उसके साथ साथ बहुत सारे सीनियर जूनियर लोगों को काम देखना है, क्रिटिकली देखना है। वो बोलना नहीं है क्रिटिसाइज करने के लिए, बट क्रिटिकली देखना है अपने लिए, वो अपना काम के ऊपर उसका असर आता है। अभिजीत राय जी, अब तक आपने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की, जैसे स्कॉलरशिप, फेलोशिप, इंटरनेशनल नेशनल एग्जीबिशने, और कहां कहां आपका कार्य लगा हुआ है, जरा उसके बारे में थोड़ा बताएं। अगर हम वो बायोडाटा पढ़ने जाएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है, मैंने खुद भी देखी है, तो उतना सब नहीं, आप शॉर्ट में उनका थोड़ा जिक्र करें तो ज़्यादा अच्छा हो। क्योंकि एक आर्टिस्ट जब छोटा टाइम से ग्रो करता है, उसका डिफरेंट डिफरेंट एटमोसफियर, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ इंट्रोडक्शन होता है, उसमें कलेक्टर होता है, क्रिटिक होता है, टीचर्स होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होता है, तो हर जगह से कुछ कुछ लेने का मुझे लगता है ज़रूरी है। ज़रूरी है इन द सेंस, आप अगर बहुत अच्छा तरह से ऑब्जर्व करोगे, जहाँ भी जिस भी एटमॉस्फेयर में जिस भी स्टैंड में आप गया है, वहाँ लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसमें से ऑलवेज बेटर चीज लेने के लिए कोशिश करना चाहिए। जो मैं अच्छा अच्छा टीचर लोगों को, अच्छा 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 आर्टिस्ट के साथ जो मेरा लाइफ में मुलाकात हुआ, उनसे मुझे बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ इस तरह का डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन अगर आप फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आपका लाइफ में बेटर कुछ कर सकते हैं। मैं कहाँ तक किया, कहाँ तक करूँगा वो पता नहीं, बट आई एंजॉय माई वर्क। और इकोनॉमिकल साउंड हो ही जाता है। आपका काम अगर अच्छा है, आप अगर ऑनेस्ट है अपना काम के ऊपर, आपका अगर कॉन्फिडेंट है आपका काम के ऊपर, यू विल गेट एनफ मनी जो आपका लाइफ लीडिंग करने के लिए। तो इसी हिसाब से काम कर रहे, डिफरेंट प्लेस में मेरा काम लगा हुआ है। यहाँ से नज़दीक है जो पुलमैन होटल गुड़गांव में जाते हुए, वहाँ रिसेप्शन के सामने मेरा एक स्कल्पचर फ्लाइंग मैन लगा हुआ है। ये छोड़ के बहुत सारे गैलरी, बहुत सारे प्राइवेट कलेक्शन में मेरा काम गया है, जा रहा है। इंटरनेशनल शो भी आपने, बहुत सारे चिंकोले जो वर्क है, जैसे उत्तरायण बड़ोदा राकेश अग्रवाल का स्टूडियो म्यूजियम, वहाँ कलेक्शन है, बहुत सारे लिथोग्राफ, अच्छा अच्छा लोगों के बहुत सारे पोर्टफोलियो के लिए बॉम्बे, बहुत पोर्टफोलियो में मैं अटेंड किया। मैं ही खुद पोर्टफोलियो क्यूरेट किया, जो मार्वल आर्ट गैलरी अहमदाबाद से पब्लिश किया था, जिसमें 42-41 सीनियर आर्टिस्ट लाइक जरम पटेल, के जी सुब्रमण्यम, ज्योति भट्ट, बिन्दावन सोलंकी, अमित अम्बालाल, अनुपम शू, दर्पणा कौर, सब लोग इसमें थे। हम, मैं जैसे था, मेरा एज का बाकी लोग और आर्टिस्ट थे। 41 आर्टिस्ट का एक प्रिंट मेकिंग पोर्टफोलियो बनाया था, जो प्रिंट मेकिंग को प्रमोट करने के लिए, उसमें नॉट ओनली लिथो, नॉट ओनली एचिंग, नॉट ओनली वुडकट और सेरीग्राफ, ऑल मीडियम में, जो आर्टिस्ट का जो मीडियम पसंद है उसी मीडियम में कर किया था। और वो दैट वाज द ग्रेट सक्सेस फॉर आवर वेंचर, एंड आई थिंक दैट इज मुझे बहुत खुश दिया, बहुत अच्छा एक अनुभव दिया, जो इन फ्यूचर जो आज भी लग रहा है एक्सपीरियंस आपके उसमें। हाँ, जो फ्यूचर प्रिंट मेकर्स, प्रिंट मेकिंग फील्ड के लिए एक बड़ा उपलब्धि है। और वो शायद आगे लोगों को एज ए आर्काइव देखने के लिए, काम देखने के लिए, बड़े बड़े आर्टिस्ट का कैसे काम किया, उनका इमेज देख के, उनका मीडियम देख के,
तब लगेगा जी हाँ ठीक है, प्रिंट मेकिंग जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट छपा नहीं है, प्रिंट मेकिंग भी कलरफुल, प्रिंट मेकिंग भी कितना वेरिएशन, कितना इन्वॉल्वमेंट, कितना इम्पोर्टेंट एक टूल्स, एक मीडियम लाइक अदर मीडियम। अभिजीत राय जी, नई पीढ़ी जो आजकल नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही है, जैसा कि कंप्यूटराइज प्रिंट, डिजिटल प्रिंट, ये मैनुअल जो हम करते हैं उसमें, और जो मशीनी युग कहा जाए जिनको सारा एक्सपेरिमेंट अभी नए नए हो रहे हैं, ये कहाँ तक सक्सेस है और आपको क्या लगता है ये जो मैनुअल कार्य करने वाले कलाकार हैं उनको लिए लाभदायक होगा, या जो डिजिटल प्रिंट या कंप्यूटराइज कर रहे हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? नहीं, क्योंकि लाइफ कभी स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। हम जैसे छोटा टाइम में जिस तरीका एटमॉस्फेयर, जिस तरीका टेक्नोलॉजी, जिस तरीका एडुकेशन सिस्टम के अंदर में बड़ा हुआ, डे बाय डे उसका ग्रोथ होते गया, आज टुडे जिस तरीका टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज हमारा लाइफ के अंदर में इन्वॉल्वमेंट और इन्फ्लुएंस है, वो हमारा आर्ट लाइफ, हमारा आदर्श लाइफ सबके ऊपर इन्फ्लुएंस है। एंड हमारा जो प्योर अपना हैंड में करना है, अपना हाथ में काम करना है, जो क्राफ्टमैनशिप उसके साथ, माइंड के साथ, उसके साथ साथ मुझे लगता है एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी वो भी अपना काम के साथ यूज़ करेगा, बट आपको ऑनेस्टली काम करना है। ऐसा नहीं है किसी का कॉपी करके किसी का कुछ जोड़ देना, बट आपका काम के लिए जो खुद का काम होना चाहिए, जो आपने खुद की पहचान होनी चाहिए, यूज करो और वो ज्यादा बेटरमेंट होगा, मुझे लगता है उसी हिसाब से। और एक चीज मुझे बोलना है, ये जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का कुछ कुछ फेलोशिप होता है, ये लोग ऑलवेज बोलता है फाइन आर्ट्स के लिए फेलोशिप, हमारा दुर्भाग्य ये है ललित कला एकेडमी एंड एनजीए में, दिस टू ऑर्गेनाइजेशन, ये मैं रिसेंटली एक फेलोशिप के लिए अप्लाई किया था, टैगोर फेलोशिप, एंड वो फेलोशिप इस दूस इंस्टीट्यूशन को कभी देता नहीं है जितना दिन से शुरू हुआ। इवन साहित्य कला, संगीत कला, अलग अलग सब में उसमें लिखा, इंदिरा गांधी कल्चरल, वो सबको मिलता है दो दो, बट ललित कला एंड एनजीएमए, एंड ललित कला एंड एनजीएमए जो लोग उच्च पद में बैठा हुआ है, ये लोग कभी कोशिश नहीं करते जी हमारा फाइन आर्ट्स का ABCD जो भी हो, अच्छा लोग तो है, लिखने पढ़ने वाला, रिसर्च करने वाला, डॉक्टरेट होने वाला बहुत लोग है, तो उनको तो ये मिलना चाहिए। वो लोग ऑलवेज क्रिटिसाइज करते, नहीं आपको बुक लिखना चाहिए। हम जो एक एक सोलो एग्जीबिशन करते हैं, मैंने जैसे मोर देन 30 वन मैन शो किया जहांगीर एंड त्रिवेणी में ओनली, आदर्श तो छोड़ देने का, तो इस तरीका हमारा एक एक एग्जीबिशन एक एक रिसर्च पेपर के माफी होता है, 40-50 वर्क, स्कल्पचर, पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, इट्स नॉट जोक। एंड हमारा जो ये ललित कला एंड मिनिस्ट्री कल्चर, इन लोग को ये चीज बहुत ध्यान देना चाहिए। हम और आर्टिस्टों को ये फेलोशिप में इंक्लूड होना बहुत जरूरी है। मैं इसीलिए बोल रहा है क्योंकि मैं मिनिस्ट्री का ऑलमोस्ट हर फेलोशिप मुझे मिल गया है, नॉट ओनली मिनिस्ट्री का, इंडिया का मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन का, बेंद्रे हुसैन से शुरू करके ललित कला, राजस्थान ललित कला, CKP, बेंगलोर, एवरीथिंग्स आई गॉट। बट मुझे लगता है ये टैगोर फेलोशिप के बारे में हमारा जो मिनिस्ट्री का जो कल्चरल डिपार्टमेंट एंड ललित कला एंड NGMA जो उच्च पद में बैठे हैं, जो लोग डिसीशन मेकर, दे शुड डू समथिंग, अदरवाइज दिस इज यूजलेस। नॉट ओनली मैं एक बुक लिखूंगा, ये मैं इतना एग्जीबिशन, सोलो एग्जीबिशन किया, इतना सर उसका वैल्यू किया है उनके सामने, एक बुक जैसे बनाता है हमारा, मेरा एक एक एग्जीबिशन, सोलो एग्जीबिशन, एक एक रिसर्च पेपर है, एक उसको उतना ही उसमें टाइम लगता है, उतना नॉट ओनली टाइम, मेरा जो डेप्थ, मेरा जो पेशेंस, मेरा जो एडुकेशन, मेरा जो एक्सपीरियंस, सब कुछ उसमें लगा हुआ है। यही हमारा टूल्स, यही हमारा हथियार, तो फाइन आर्ट्स के लिए, इसके लिए जो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं, आप लगातार काम कर रहे हैं और अपनी बात भी रख रहे हैं।
मैं अगर पेंटिंग करूंगा, पेंटिंग में मैं और स्कल्पचर करूंगा, उसमें जो मैं अंदर का बात जो समझाऊंगा, जो एक्सप्रेस करूंगा, कन्वे करूंगा, मैं थोड़ी वही चीज 2 पेज 10 पेज क्या 1000 पेज लिख के राइटिंग में, दैट इज राइटिंग एट डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट एक्सप्रेशन करने का एक अलग टूल्स है। मेरा टूल्स है विजुअल मीडियम। वो विजुअल मीडियम को जब आप लोग इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं देंगे, एक आर्टिस्ट को सच्चा जो अप्रिशिएट करना है वो नहीं होगा। हम लोग डिपेंडेड हो जाता है कौन अच्छा, एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं होके भी, एक अच्छा राइटर लिख के भी वो ये सब ग्रांट लेके ये डुप्लीकेसी हो रहा है। ये होना नहीं चाहिए। चेहरा देख के तमाचा मारा जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। हाँ। जो जो मीडियम जो कलाकार उसके लिए सक्षम है उसको उन्होंने, जो डांसर है उनको डांस देख के उसको जज करना चाहिए। जो तबला वादक है, जो म्यूजिशियन है, उनका वो देख के करना चाहिए। नहीं, वो क्या लिख के समझाएगा उसको देख के करना है। अनफॉर्चुनेट, मुझे लगता है फाइन आर्ट्स को टैगोर फेलोशिप से निकाल देना चाहिए। आप लोग को पब्लिसिटी में देना ही नहीं चाहिए। फाइन आर्ट्स पीपल दे कैन अप्लाई। हेरासमेंट होता है, कलाकार उसको देख के बढ़ता है, टाइम जाता है, पैसा जाता है, आर्टिस्ट को हेरास कर रहे हैं, नथिंग एल्स। अभिजीत राय जी, आप पिछले कई अरसे से ललित कला अकेडमी, रीजनल सेंटर, प्रिंट मेकिंग डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं, और वहाँ की आज की अगर स्थिति देखें तो बहुत हद तक खराब है। पुराने मॉडल की मशीनें हैं और पुराने ही सारे यंत्र हैं वहाँ। उसमें क्या क्या और होना चाहिए जिससे बेटर स्थिति बन सके? बिल्डिंग भी अभी उसी खस्ता हालत में चल रही है, तो आपके क्या विचार हैं इसको बेटर बनाने के लिए और क्या क्या होना चाहिए वहाँ? सी, हम लोग जैसे बहुत सारे इंडियन आर्टिस्ट जो अब्रॉड से एजुकेशन लेके आया, डिफरेंट डिफरेंट फेलोशिप ग्रांट लेके बाहर स्टडी करके आया, बाहर का स्टूडियो कैसे होता है, बाहर का प्रिंट मेकर आर्टिस्ट लोगों को, अदर आर्टिस्ट ऑल्सो, कैसा फैसिलिटी उनको अवेल होता है, जिसके ऊपर बेस करके वो उनका अपना क्रिएशन के लिए वो हेल्प करेगा। बहुत बड़ा कुछ ये नहीं है, बट अपना क्रिएशन को डेवलप करने के लिए आपका जो ऑरा, एक एटमॉस्फेयर चाहिए, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा। मैं एक एग्जांपल के हिसाब में ललित कला का प्रिंट मेकिंग स्टूडियो के बारे में बोल रहा है। यहाँ है कुछ लिथो प्रेस, कुछ एचिंग प्रेस, कुछ ये आधा प्रेस तो खराब पड़ा है, जिनका कुछ रिपेयर नहीं होता है, जिनका कुछ मॉडर्नाइजेशन नहीं होता है, स्टूडियो में डस्ट पड़ा रहते हैं। हम लोग इंटरनेशनली इतना अच्छा अच्छा स्टूडियो में काम करके आया, वहाँ आके जब काम करके आता है उसका जो रिजल्ट होता है, यहाँ आके काम करके हम लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। हम लोग अपना जो अवेलेबिलिटी है उसके ऊपर अपना बेटर बेस्ट वर्क निकालने के लिए कोशिश करते हैं। बट जब एक ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब इसके ऊपर नो क्रॉप्स एंड लो लॉस पे कार्य कर रही है, कला को प्रमोट, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आर्ट ऐसा चीज है, आर्ट को प्रमोट करना ये गवर्नमेंट का हमारा काम है। और जब ये सिस्टम, ये इंस्टीट्यूशन है, तो इंस्टीट्यूशन का क्यों नहीं 50 साल पहले जो हो गया है वही रखना है? आज का मॉडर्न कॉन्सेप्ट में क्यों नहीं इसको डेवलप? आज भी हम बाबा आदम के जमाने में चल रहे हैं और उसी पे कार्य कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं? नहीं होना चाहिए। डस्ट फ्री प्रिंट मेकिंग स्टूडियो होना चाहिए, अदर्स फैसिलिटी होना चाहिए। बिकॉज मैं एज ए लिथोग्राफर बोल रहा है, यहाँ दिल्ली का जो वेदर है वो बहुत ठंडा हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है, तो ये सब कंट्रोल होना चाहिए। अगर स्टूडियो में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कुछ ऐसी क्या कुछ अदर सिस्टम करने में अपने आप होता है, बट कौन ये एफोर्ट लेगा? आधा टाइम तो हमारा ये सब करने में ही चला जाता है। नहीं, ज़्यादातर कलाकार आवाज़ भी नहीं उठाते हैं, ना कोई ज़्यादा इसमें पड़ता है, इस चपड़े में बोलता है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता है। देखिए, मैंने कई सारों से बात किया, कई सारे
कलाकार आगे आने के लिए तैयारी नहीं होते? मोस्टली जो एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी इज आर्टिस्ट कम्युनिटी, नॉट ओनली इन जनरल पीपल, पीपल दे आर डिप्लोमेटिक होता है, वो सोचता है हम क्यों करें, दूसरा कुछ कर दे तो हम फायदा ले। ये जो टेंडेंसी लोगों का अंदर में है, ये सबसे गलत चीज है और खराब चीज। अपने हक के लिए तो आवाज उठानी पड़ेगी, तभी तो मिलेगा हक। अगर हमने कुछ बोला और उसको लेके कोई अगर सोचा नहीं, कुछ करने की कोशिश भी नहीं किया, उल्टा और कुछ बात देके दबा दिया, ये चीज प्रैक्टिस जो चलता है दैट इज वेरी रॉन्ग। ऑनेस्टली कुछ ठीक है, हुआ क्या नहीं हुआ अलग बात है, कोशिश तो करना चाहिए। तो मुझे लगता है मैं कोई इंस्टीट्यूशन के ऊपर दोष नहीं दे रहे और ये नहीं, हाँ, उसको सुधार करना चाहिए, हम यही भी काम करते हैं। मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी के लिए इतना सारे आर्टिस्ट जब इन्वॉल्व है, उनका एक टाइम, उनका एक वैल्यू है, वो वैल्यू को रेस्पेक्ट देना जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट वो है, और तभी तो आगे जाके कुछ। एशिया का नंबर वन विलेज कहलाने वाला कि आज दूरदर्शा कुछ इस तरह है, सभी डिपार्टमेंट की जहाँ जरूरत है, रिपेयर की जरूरत है, नई बिल्डिंग की जरूरत है, नए इंस्ट्रूमेंटों के टूल्स की, नए जैसे सेरेमिक में भट्टी होनी चाहिए, आज तक स्कल्पचर में हमारा फर्निश नहीं है, और स्टोन जहाँ लोग काम करते हैं वहाँ शेड नहीं है, तो ऐसे चल रहा है। और आवाज़ उठाने वाले भी कम है। आपने एक चीज़ बहुत बढ़िया भाई, जो आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ दबा दी जाती है, सुनवाई होने के बजाय उस पे उंगलियां उठाई जाती है। मैंने कुछ दिन के बाद एक चीज बोलना है, गड़ी स्टूडियो में मैं घूम के आज देख रहा था, स्कल्पचर स्टूडियो, सेरामिक स्टूडियो, अनदर स्टूडियो, स्टूडियो का स्कल्पचर स्टूडियो का अबेंडन कर दिया, उनको दूसरा स्टूडियो में, कुछ आर्टिस्ट को, बहुत सारे आर्टिस्ट एक छोटा स्पेस में काम करने के लिए बाध्य किया, क्योंकि पुराना कम्युनिटी स्टूडियो दीवार क्रैक होके इतना खराब कंडीशन में पड़ा है, बट ऑर्गेनाइजेशन जो इम्पोर्टेंट लोग इसमें बैठा है, इन लोग गवर्नमेंट को कैसे भी करके इतना सारे पैसा खर्चा हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट खाते में, व्हाई नॉट ये जो स्कल्पचर स्टूडियो, सेरामिक स्टूडियो और ग्राफिक स्टूडियो का जो जो बिल्डिंग का प्रॉब्लम है उसको इमीडिएट करे, क्योंकि इतना सारे आर्टिस्ट जो यहाँ आके काम कर रहे, टाइम दे रहे हैं। हिंदुस्तान में जब तक कोई हादसा नहीं होता तब तक हमारी पुलिस भी नहीं आती, तो हम क्या सरकार से गुहार लगाएं, या क्या सरकार बातें हर बार रखी जाती हैं। और एक चीज मुझे लगता है, ये कभी भी मैं आके देखता है यहाँ, यहाँ का लोकल जो विलेज पीपल और ये इस गड़ी स्टूडियो को लेके कभी गाड़ी पार्किंग, कभी अदर्स, इतना ज्यादा आर्टिस्टों को इंटरफेरेंस करता, आउटसाइडर अप्रोच होता है, जो बैडली बिहेव, बैडली ये होता है। मुझे लगता है ललित कला एकेडमी का चेयरमैन हो, जो मिनिस्ट्री के तरफ से दो दो गार्ड पुलिस यहाँ अपॉइंटमेंट कर देना चाहिए, दो डिफरेंट गेट में, जो इस तरीके का इलीगल अननेसेसरली जो अप्रोच होता है आर्टिस्ट का एक काम करने के लिए, मेंटली डिस्टर्ब होता है, वो नहीं होना चाहिए, वो करके इसको सिस्टमेटिक करना चाहिए, ये होना बहुत जरूरी है। अभिजीत राय जी, हमारे जो दूरदराज इलाके में कलाकार आपको देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, या जो कला फील्ड में आना चाहते हैं, या आर्ट फील्ड में कार्य कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं नई पीढ़ी को, कि उनको टिक के काम करना चाहिए, कैसे फील्ड में बने रहना है, इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले जो जरूरी है, यू शुड बी honest with your work, whatever medium, whatever influence you got from anybody, but आप जो कर रहे हैं वो सबसे honesty के साथ काम करना है, वो अच्छा भी हो सकते खराब भी हो सकते, that doesn't matter, but आप honestly अगर काम करेंगे, आपका कुछ बोलने का जो अंदर में है, convey करने का message, वो आपका काम के through अगर जब तक क्लियर नहीं होता है, मैक्सिमम दिखता नहीं है, आप, मुझे लगता है आप इतना सक्सेस नहीं होंगे।
आर्ट के ऊपर ये बोलना बहुत मुश्किल है कौन सक्सेस है कौन अनसक्सेस है, बट ऑनेस्टली बने रहना है, काम करते रहना है, करना जरूरी है। धन्यवाद अभिजीत राय जी, आप हमारे मंच में हमारे स्टूडियो में आए, दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में हमने आपसे चर्चा की, आपके बारे में जाना, आपकी कला के बारे में जाना, तो धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों, जे थे हमारे साथ एमिनेंट आर्टिस्ट अभिजीत राय प्रिंट मेकर। अभी अगली बार हम फिर किसी नई शख्सियत के साथ मिलेंगे किसी नई जगह में, तब तक देवीदास खत्री को दे इजाज़त, वंदे मातरम भारत माता की जय।